हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मीठी फैमिली चैनल में। स्वागत मैं पहले कर रही हूं, जो कि ये रात का टाइम है। मैं स्वागत पहले इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसके बाद जो मेरा चेहरा है वो इतना ज़्यादा उतरा हुआ है। और वो क्यों उतरा हुआ है, क्योंकि घर में निकला था सांप। तो डियर, मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ उस सांप की वजह से कि उसके बाद जो मेरा चेहरा है वो बिल्कुल देखने लायक नहीं था यार। तो जब मैंने शाम को थोड़ा सा अपने चेहरे पर ये लिपस्टिक और बिंदी लगाया है, तो मैंने पहले कहा कि लाओ वेलकम अच्छे से कर देते, उसके बाद तो आप लोग मेरा डरा हुआ चेहरा देखने ही वाले हो। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि आज ब्लॉगिंग में क्या क्या हुआ। तो आज ब्लॉगिंग में एक बहुत बड़ा सा सांप निकला, जो कि अभी मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, पर वो इतना अच्छा नहीं था यार, बहुत खतरनाक था, बिल्कुल मेरे पैर के पास से गया था। अभी सब कुछ बताऊंगी आगे आपको। और आज मम्मी जी ने बैगन की रसेदार सब्जी बनाई है नाइट डिनर के लिए। तो चलो ठीक है, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। और क्या करना है मीठी, ब्लॉग को चैनल को ओके। नहीं मुंह बात दिखाया, यहाँ तक आ रहा है, यहीं आ जाएगा। दीवार में चल रहा, दीवार में चल रहा। बाप रे, जीप तो देखो, वो देख रहे, वो देख, दीवार में चल रहा। तुम जानते हो क्या, दीवार में चल रहा, दीवार पूरा साफ है, इतना बड़ा सड़िया का। आराम से चढ़ा, मजे ले रहे। अरे रे 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 रे, हाँ उधर खुला है लगता है। काली कलर का सांप जब आपके ऊपर से गुजरेगा ना, तो क्या होगी उस टाइम पे हालत, खुद सोचिए। मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए। उसके बाद भी मुझे कपड़े तो धोने ही थे, क्योंकि मैंने कपड़े को निरमे में डुबो तक रखा था। तो बस वही कपड़े जो है वो मैं किचन के सामने बैठ के धो रही हूँ, और बराबर उधर देखती जा रही हूँ कि वो निकल तो नहीं रहा है, क्योंकि उसको सीमेंट से सीमेंट मतलब लगा दिया गया था उस बिल के ऊपर, ताकि अगर वो निकले तो समझ में आ जाए कि हाँ वो निकल चुका है। इसीलिए इसको इस तरीके से पैक किया गया था, बाकी वो कहीं और से निकल ही गया होगा लग रहा है। और मैं किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली भी देखती है, सो मैं किसी को फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार सबके पास खर्चे होते हैं, सबके पास बच्चे हैं, किसी को पढ़ाना है, किसी को अपने बच्चों की शादी करना है, तो इतने बड़े घर का मेंटेनेंस कैसे हो सकता है, कोई इतना नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब सबका अपना अपना होगा तभी यहाँ पे मेंटेनेंस हो पाएगी ठीक से। तो बस ठीक है, आप लोगों को धोकर मिलती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। तो मैं आज हमारे घर में सांप निकला था यार, मैं अभी इसकी आगे की वीडियो क्लिप जो है वो आगे डाल दूंगी। तो जो सांप निकला था वो मतलब मेरे पैर के नीचे से बिल्कुल गया था यार, अभी तक मैं डरी हुई हूँ। इवन मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं, और मैं कपड़े निरमे में मतलब फुला दी थी। उसके बाद जो कल का व्लॉग था जो आप लोगों ने देखा, उसको अपलोड करने चली गई थी कमरे में। और उसके बाद जब मैं कमरे से आई हूँ तो एकदम मेरे पैर के ऊपर से निकल के गया यार वो सांप। और इतना बड़ा सा था, छोटा सा नहीं था। तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सीमेंट सारे जगह लगाया गया है, यहीं पर से सांप मतलब वो जो सांप था पैर के ऊपर से मेरे गया जमीन पे से। और इधर नाली है, किचन बाथरूम के पीछे साइड नाली है, वहां से निकल के आया बाथरूम के बाहर। तो अभी यहाँ पर फिलहाल मम्मी जी ने बोरा लगा रखा है, वरना मैं दिखाती। तो जो नाली है वहां पर जाली नहीं लगी हुई है, अभी भी मुझे डर लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने में। तो जाली नहीं लगी हुई है नाली में, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ कचरा फंस जाता है, तो जाली निकाल दिया गया था, तब से जाली नहीं लगी है। और बारिश का टाइम है यार, बहुत सारे सांप वगैरह निकलते रहते हैं, और इसी जगह में वो मतलब मेरे पैर के पास से उछल कर, और फिर मट्टी का तेल डाला गया ना, तो वो निकल के दीवार के ऊपर चढ़ के इसी के अंदर घुस गया। हम लोग मारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सावन चल रहा था, सावन में मारते नहीं है, इसीलिए मारा नहीं गया यार उसको, वरना अभी इतनी टेंशन नहीं होती अगर वो मर जाता तो। और अगर एक मारेगा तो दूसरा फिर आएगा ना, इसीलिए। तो उसके बाद आज मैं कपड़े यहाँ पर धोई हूँ, आप देख इतनी मेहनत इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अब जल्द से जल्द एक अपना घर ले पाऊँ, चाहे वो छोटा ही सा घर हो। मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए कि मैं उसको मेंटेन ही ना करवा पाऊँ, मुझे छोटा सा घर मिल जाए, पर मिल जाए। अभी भी मैं यहाँ पर देख रहे हो आप, ये देखो डंडा रखा हुआ है ना लोहे का, इसके साथ मैं कपड़े धो रही थी बैठ के इसके पास, कि अगर दिख भी जाए तो डंडे से डरेगा, दूर रहेगा मुझसे वो। तो बस यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ। और सब लोग कहेंगे कि लव मैरिज किया था तो देखा नहीं था, तो डियर घर तो देखता नहीं है ना इंसान, शादी करता है तो क्या वो घर देख के शादी करता है, वो तो दिल देख के शादी कर लेता है ना। और माँ बाप भी होते हैं कि चलो यार जहाँ मेरी बेटी की खुशी है वहाँ पर वो भेज देते हैं खुशी खुशी। तो मैं किसी को नहीं कहती हूँ यार, मैं जो कपड़े धोई हूँ अभी उनको डाल के आती हूँ बाहर, ठीक है। अब उसी चीज को लेकर कब तक हम लोग सोचते और बैठे रहेंगे, खाना पीना तो बनना ही है।
तो वही मम्मी जी मसाले की तैयारी कर रही हैं, वही लहसुन प्याज अदरक डाल रही हैं, खड़ी धनिया और लाल खड़ी मिर्च, क्योंकि आज हमारे घर में जो बैगन की रसे वाली सब्जी होती वो बनने वाली है। तो आपने बैगन का भरता बहुत देखा होगा, सूखी सब्जी बहुत देखी होगी बैगन की। आज आप लोग देखिए मसालेदार सब्जी। और शाम के बज रहे हैं 8:10 हुए हैं। और यार कब तक उसी चीज़ को, कितनी सीटी हो गई मम्मी जी, 2 सीटी हो गई, और कब तक एक ही चीज़ को सोचते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि कुछ मतलब हम लोग मतलब एक अच्छा सा फेवरेट सा घर ले लें। तो आप लोगों की दुआ रहेगी और प्यार रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी लोग सब प्रयास में लगे हुए हैं। तो कुकर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलिए ठीक है और सब्जी देख लेते हैं। बस ऐसे ही प्यार और दुआ बनाए रखिए। और पापा लेटे हैं और मीठी अपने पापा के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही है। बहुत से लोग बोलते हैं जीजू सामने नहीं आते, तो जीजू को बड़ी शर्म आती है कैमरे के सामने आने में। मम्मी जी बहुत फ्रैंकली हैं, मीठी फ्रैंकली है। क्या बना रही हो? देखा पूरा पढ़ाई। मम्मी जी पढ़ाई है? हाँ, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, और मम्मी जी से तो मम्मी जी से तो तुम बोल रही थी कि हम मैम को पढ़ा देंगे। क्या बोल रही थी कि मैम को पढ़ा दोगी? और क्या खा रही हो? खा लो। क्या खा रहे हो? तो यहाँ पर मीठी का डांस चल रहा है और मैं और मम्मी जी बातें कर रहे थे कि जो अरवी का पत्ता होता है ना, उसकी जो पकौड़ियाँ बनती हैं उसमें चना दाल पीस के लपेटा जाता है, वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस उसी की बात करते कि किस दिन बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारी तैयारी हो गई है, मसाला वसाला पीस दिया है मैंने और आलू भी उबल गया है। मम्मी जी बना रही हैं आज सब्जी, तो देख लीजिएगा कि सब्जी कैसे बन रही है। आज मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है, पर ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ, मुँह उतरा उतरा अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी जी ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो चलो आपको सब्जी दिखाती हूँ। तो यहाँ मम्मी जी ने तेल में डाला है सबसे पहले प्याज, और प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो जिसमें मसाले थे ना, जो पीस के रखे थे हम लोगों ने, उसको डाल देना है और अच्छे से भूनना है, जब तक मसालों को पकाना है, जब तक कि तेल एक लेयर ऊपर ना बना दे। और उसके बाद मम्मी जी इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही है, जो कि मैं दूर से दिखा रही हूँ। और उसके बाद फिर मम्मी जी इसमें जो बैगन थे वो डाल दिए हैं, और पानी इसलिए दिख रहा है ना कि जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाले बचा रहता है ना, उसको मम्मी जी पानी डाल के इसी में डाल देती हैं। और उसके बाद मम्मी जी इसमें डाल रही हैं टमाटर, थोड़ा सा बैगन और मसाले पक जाएंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डालना है कुछ इस तरह से, और चला देना है, टमाटर को पका लेना है। लेके आने लायक नहीं है, धनिया 10 का 50 ग्राम और टमाटर मम्मी जी ₹80 पाव है ना, तो सस्ता ही है, 80 रुपए किलो है ना ये, तो वो 200 रुपए किलो है। बाप रे, सब्जी के दाम में तो आग लगी है, आम आदमी सब्जी कैसे खाएगा पता नहीं। आलू भी महंगा है ना शायद मम्मी जी? आलू है 30 रुपए किलो। हाँ, ₹25 किलो। तो टमाटर थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मम्मी जी इसमें आलू को, जो उबला आलू है, इसको मैश करके डाले। तो जब टमाटर थोड़ा सा पक गया है तो इसमें मम्मी जी ने आलू डाल दिया है, उसके बाद जितना हमें रसा चाहिए उतना रसा डाल दिया है, और उसके बाद ये धनिया की पत्ती पड़ गई, हल्दी नमक, हल्दी मसाले में और नमक मसाला भूनते समय। तो हल्दी तो मसाले में पड़ा हुआ था और नमक मम्मी जी ने मसाले को भूनते टाइम डाल दिया था। तो ये सब्जी यार सच में खाने में बहुत अच्छी लगती है, चावल से तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैं चावल थोड़ा कम ही खाती हूँ। कम लग रहा था क्या रसा? अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, वैसे भी टमाटर भी पक गया है, बैगन भी थोड़ा थोड़ा पका ही है, और आलू तो उबला ही हुआ है। बन गई सब्जी, तो बातों बातों में बन गया पूरा खाना। आ जाओ खा लो मेरी प्यारी सी फैमिली। सो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं घड़ी में 10:30, और मतलब 10:20 है, 10:30 नहीं हुए, 10 मिनट बाकी है, और मेरा जो खाना पीना है वो हो चुका है, आ गई। और मीठी की अभी पढ़ाई नहीं ख़त्म हुई है, अभी मीठी पढ़ने में लगी हुई है, और पता नहीं क्या पढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब भी मैं किचन में जाती हूँ, भूत पढ़ रही हूँ, तो जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मीठी पूरा जो कमरा है वो तहस नहस कर देती है, पूरा जो बेड का ये है ना, यहाँ पर सारे खिलौने हटा देती है, और सारा खिलौना कुर्सी पर रख देती है, वो जो कुर्सी है। तो यार मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही थी, और जैसा है मैंने वैसा आप लोगों को दिखा दिया है घर अपना।
और मैंने होम टूर करवाया भी है एक बार कि उसमें भी सब कुछ अच्छे से बताया है। और देखो मम्मी जी ने आलू बैगन की सब्जी बनाई और बार बार मुझे हंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं ना डर के मारे सहमी सी थी सुबह से। फिर मैंने सोचा कि यार ब्लॉग को कंटिन्यू कर ही लेते हैं, और उसके बाद मैंने ना एक पोस्ट भी डाला, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लिया उसी वीडियो का जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, इसी का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। उस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, तो यार आप लोग की ब्लेसिंग्स ही हैं, शायद मुझे बचा ली हैं आज, ताकि मैं आने वाले दिन में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला पाऊँ। इसीलिए शायद आपकी दुआओं में ही इतना असर रहा होगा जो मैं बची हूँ, वरना वो तो आज मेरा काम ख़त्म कर देता। और बहुत डर लग रहा था यार, अभी तक मुझे डर लग रहा है। तो चलो ठीक है, अभी ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस अपनी दुआ और अपने प्यार सब कुछ ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि मैं इतना ग्रो करूँ कि मतलब अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ यार। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आगे बढ़ाओ, नहीं मेहनत कर रही हूँ तो मत आगे बढ़ाना, ठीक है? मैं बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। देखो मैं ताली थी हूं। ओहो, ये कौन बनाया है? अच्छा बनाई किसी से बनवा ली होगी, झूठ बोलती रहती है। तो मीठी को सब लोग बोल रहे थे कि दी इसका बहुत ख्याल रखिएगा, तो फिलहाल तो इसने आम खा के अपने नोजी के ऊपर पुड़िया बना ली है एक, तो ठीक है। और बोल रहे थे सब लोग कि मीठी का ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि वो जहरीला है कि क्या है कैसा है। तो डियर मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उसका, बस उसी के लिए, उसी के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।